أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين. سيدنا وسيد الأولين والآخرين. حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد سورة مباركة عنكبوت کی پہلی ہی آیت کے ضمن میں گفتگو ہو رہی ہے, لیکن کچھ سوالات بھی آئے ہیں, ان سوالات پہ بھی گفتگو کرنی ہے, اور کچھ مطالب حروف مقطعات سے متعلق بھی عرض کرنے ہیں. چونکہ یہ سورہ قرآن مجید کے ان سوروں میں سے ہے جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. غالباً قرآن مجید میں 29 سورے ایسے ہیں جن کے شروع میں حروف ہیں, جیسے سورہ بقرہ ہے, الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. سورہ مبارک آل عمران ہے, بھی الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. قلب قرآن سورہ مبارک یاسین ہے, وہ بھی یاسین دو حروف مقطعہ سے شروع ہوتا ہے. طہٰ حروف مقطعہ سے, صاد نون, یہ سب حروف مقطعہ ہیں. کہیں الف لام میم را ہے, کہیں حا میم ہے, کہیں عین سین قاف ہے, کہیں دونوں ہیں حا میم عین سین قاف. یہ سورہ مبارکہ کے شروع میں آئے ہیں, کہیں کوئی حرف درمیان میں نہیں آیا ہے, سارے حروف مقطعات شروع میں ہیں. یہ حروف مقطعات سے متعلق متعدد اقوال ہیں. مثلا سب سے مشہور و معروف قول اور اقرب الی الواقع, یعنی حقیقت سے قریب ترین قول, بلکہ انہ هو الحق هو الواقع, وہی واقعہ ہے, وہی حقیقت ہے, وہی ہے کہ یہ حروف گویا ایک رمز ہیں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رموز ہیں, اشارات ہیں. الف ایک رمز ہے, لام ایک رمز ہے, میم ایک رمز ہے, اور بہت سے ایک ہی اشارہ مختلف مواقع پر مختلف رموز کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے یہی الف لام میم سورہ بقرہ میں بھی ہے, اور بظاہر یہی الف لام میم سورہ آل عمران میں بھی ہے, یہی الف لام میم سورہ مبارک عنکبوت میں بھی ہے.
मुमकिन है वहाँ अलिफ लाम मीम से मुराद कुछ और हो और यहाँ अलिफ लाम मीम से मुराद कुछ और हो और वहाँ अलिफ लाम मीम से मुराद कुछ और। एक अलामत मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हकायक का इशारा हो सकती है। बाज़ उलमा ने यह कौल इरशाद फरमाया है कि ये सूरों के नाम हैं, जैसे अलिफ लाम मीम सूरह बकरा का नाम है। ये कौल कोई बहुत ज़्यादा दिल को लगता नहीं है, और ख़ास तौर से ये कि मासूम से सादिर किसी रिवायत से भी इस कौल की ताईद नहीं होती। और भी अक़वाल हैं, बाज़ हज़रात ने इन हरूफ से इबारतें बनाई हैं, तमाम हरूफ मुक़त्तआत को इकट्ठा करके और उनमें से जो मुकर्रर हर्फ हैं उन्हें हस्फ करके जो हर्फ बचते हैं उससे इबारत बनाई है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा दिलावेज़ और मानी खेज़ और रूह है क़ुरान से हम आहंग इबारत है वो है सिरातो अलीन हक नुम से को, अली का रास्ता हक है और हम उसे इख्तियार करते हैं। ये इबारत मुख्तलिफ ज़िम्मेदार उलमा ने नक़ल फरमाई है, बनाने वालों ने और भी इबारतें बनाई हैं, लेकिन बहरहाल ये इबारत जैसा कि मैंने अर्ज़ किया ये रूह है क़ुरान से हम आहंग है, उस पैगाम क़ुरान से हम आहंग है। बाए बिस्मिल्लाह से लेकर सीने व नास तक जितनी रिवायतों में अज़राह तफसीर व अज़राह तावील व अज़राह हकीक़त जो विलायत हज़रत अमीर المؤمنین अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु व सलाम की तरफ इशारे हैं उनसे हम आहंग हैं। अगर ये इबारत न भी बने न भी तस्लीम करे कोई तो सूरह मुबारक अलहम्द में जो वाज़ेह तौर पर सिरात अल मुस्तकीम है, सिरात अल लज़ीन अनअमत अलैहिम है, वो पहले से मौजूद है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। और इस पर बार बार मैं गुफ्तगू आपके सामने कर चुका हूँ, दूसरे खुतबा दूसरे उलमा दूसरे मुफस्सिरीन आपके सामने ज़िक्र करते रहते हैं, किसी किस्म के शक और किसी किस्म के इबहाम की गुंजाइश नहीं है। मैं कहता हूँ किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है कि सूरह मुबारक अलहम्द में अस्सिरातुल मुस्तकीम की तावील अगर ज़ात मुबारक अली इब्न अबी तालिब से की जाए, इसलिए कि फिर बाद में जो अल्लज़ीना है ये इस्म मौसूल ये ज़िंदा अफराद के लिए उनकी सिफत ये बताई गई है कि वो लोग जिन पर अल्लाह की नेमतें हैं और जिन पर अल्लाह का ग़ज़ब नहीं है और जो कभी भी बेराहा नहीं चले। अगर ऐसे अफराद की फहरिस्त तैयार की जाए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, तो उसमें किसी का नाम दाखिल किया जा सके या दाखिल ना किया जा सके, अली का नाम खारिज नहीं किया जा सकता। किसी का नाम आप दाखिल कर सकें या दाखिल ना कर सकें, अली का नाम खारिज नहीं कर सकते। ये मेरा चैलेंज है, लफ्ज़ चैलेंज में से ये मेरा चैलेंज है। मैं इस बात पर जब जो शख्स जहाँ कहे जिस मैदान में कहे मुनाजरे के लिए भी तैयार हूँ, मुबाहले के लिए भी तैयार हूँ, मैं तैयार। किसी का नाम दाखिल कर सकें या दाखिल ना कर सकें, आप अली का नाम खारिज नहीं कर सकते उस फहरिस्त से, जिस फहरिस्त में मैं कह रहा हूँ कि उन अफराद उन लोगों की फहरिस्त जिन पर अल्लाह की नेमतें हैं, एक जो कभी बेराहा नहीं हुए, दो जिन पर अल्लाह का गज़ब नहीं हुआ, तीन, इस फहरिस्त में अली का नाम खारिज नहीं हो सकता। और जब खारिज नहीं हो सकता तो सिरातल्लज़ीना उन लोगों की का रास्ता, उन लोगों का रास्ता यानी जो अली जैसे हैं,
उन्होंने का रास्ता जो आली जैसे। अब यहीं पर मुझे याद आ गई फिर वो रिवायत भी के जो सूरह जो तफसीर मुबारक अल बुरहान में है, तफसीर अल बुरहान में सूरह बकरा की तफसीर में शुरू ही में ये रिवायत मौजूद है, मासूम से रिवायत है कि फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। फरमाया तुम्हें मालूम है ये किताब से मुराद कौन है? अल किताब अली इब्न अबी तालिब। किताब से मुराद अली इब्न अबी तालिब। ज़ालिकल किताब अल किताब से मुराद अली इब्न अबी तालिब की ज़ात ही है। ये रिवायत मासूम से गालिबन ये रिवायत मैंने आज से पहले कभी आपके सामने नहीं पढ़ी। बहुत सी रिवायतें इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि खौफ आता है कि बिला सबब कोई इसकी तकजीब करे और हम सबब बने कि चूँकि एक नाअहल के सामने बयान की थी इसलिए तकजीब का सबब हम बने। तकजीब का महल नहीं, तकदीब का महल नहीं है। मैं इस रिवायत की तायीद के तौर पर कि अल किताब से मुराद ज़ात गिरामी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, वो किताब बुलंद वाला, वो बुलंद मर्तबा, वो अज़ीम शान, वो किताब ज़ालिकल किताब। ज़ालिका का इशारा हमेशा बईद के लिए नहीं होता है, ज़ालिका का इशारा हमेशा दूर के लिए नहीं होता है। ये ज़बान का ज़ौक जो लोग रखते हैं वो समझते हैं कि वो का इशारा और ये का इशारा हमेशा नज़दीक और दूर के लिए नहीं होता है। कभी कभी वो का इशारा अज़मत को ज़ाहिर करता है और ये का इशारा कभी कभी हकारत को ज़ाहिर करता है। कभी कभी ये का इशारा क़ुर्ब को ज़ाहिर करता है, नज़दीकी को ज़ाहिर करता है। ज़्यादातर महसूस दुनिया में ये का इशारा नज़दीक के लिए है, वो का इशारा दूर के लिए है, लेकिन मानवी दुनिया में मानी की दुनियाए मानी में जहान मानी में कोई चीज़ नज़दीक और दूर नहीं है, हर चीज़ नज़दीक है। मानी की दुनिया दुनियाए तजर्रुद है, रूहानियात की दुनिया तजर्रुद की दुनिया है, मुजर्रद दुनिया में तजर्रुद की दुनिया में एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी के साथ डायमेंशंस का तसव्वुर नहीं है। दूरी और नज़दीकी जैसे मादी दुनिया में है, इस मादी दुनिया में जो दूरी और नज़दीकी है ये दूरी और नज़दीकी मानवी दुनिया में नहीं है। बहुत सी चीज़ें नहीं हैं भाई इस मादी दुनिया में, तवज्जो रखिएगा, इस मादी दुनिया में और रूहानी दुनिया में नूरानी दुनिया में बहुत सी चीज़ों में फ़र्क है। ख़वातीन भी तशरीफ़ लाती हैं तफसीर का दर्स सुनने के लिए और एक सवाल बराबर होता है ख़वातीन की तरफ से कि साहब ये कौन सा इंसाफ है कि जन्नत में मर्दों के लिए हूरों का वादा किया गया है और ख़वातीन के लिए क्या अहतमाम है? ज़्यादातर लफ्ज़ हूर आता है, आपको मालूम है कि ये भी मादी दुनिया और मानवी दुनिया के फ़र्क को न समझने की बिना पर है। और अरबी लुगत का अगर मुशाहदा कर लें तो दोनों मुश्किलें हल हो जाती हैं। अरबी ज़बान और अरबी लुगत में बाज़ अल्फाज ऐसे हैं, अहवर, अहवर कहते हैं एक ऐसे मर्द को जो बड़ी आँखों वाला खूबसूरत मर्द हो उसे कहते हैं अहवर, और हौरा उसके मुकाबले में कहते हैं उस औरत को जो बड़ी बड़ी आँखों वाली और ख़ूबसूरत हसीन औरत हो उसे कहते हैं हौरा। अहवर बड़ी आँखों वाला मर्द, हौरा बड़ी आँखों वाली औरत, दोनों की जमा हूर है। अहवर की जमा भी हूर है,
हौरा की जमा भी हो, तवज्जो है, मसला हल हो गया। अहवर की जमा भी हूर है, हौरा की जमा भी हूर है। अच्छा, तो इसके मानी है कि अगर वाकयान जिन्स का फ़र्क वहाँ भी हुआ, वहाँ भी मेल फीमेल का फ़र्क हुआ, तो इस लफ्ज़ हूर में दोनों शामिल हैं। लेकिन दूसरी हकीकत यह है कि आलम मानवियत में, रूहानियात में, रूह की दुनिया में कोई मुअन्नस मुज़क्कर नहीं होता, ये आलम जिस्म की बात है, ये इस दुनिया की बात है, ये मादी दुनिया की बात है, ये जिस्मानी दुनिया की बात है, जहाँ मुअन्नस मुज़क्कर का फ़र्क है, वहाँ रूहानियात की दुनिया में, मानवियात की दुनिया में मुअन्नस मुज़क्कर का फ़र्क नहीं है। जिस तरह आलम तजर्रुद जिसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड जिसे कहते हैं, उस दुनिया में मुअन्नस मुज़क्कर का फ़र्क नहीं है, उसी तरह उस दुनिया में अबआद नहीं है, क़ुर्ब बुअद का वो तसव्वुर नहीं है जो इस दुनिया में तसव्वुर है, क़ुर्ब बुअद का, दूरी और नज़दीकी का। ज़ालिका दूर के लिए इशारा है, हादा नज़दीक के लिए इशारा है। क़ुरआन मजीद के लिए इसी क़ुरआन मजीद में कहीं ज़ालिका का इशारा है, कहीं हादा का इशारा है। मसलन सूरह मुबारक बकरा में ज़ालिकल किताब, वो किताब है, और ग़ालिबन सूरह मुबारक बनी इसराइल में है, आयत में अर्ज कर देता हूँ। आयत है इन हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वाम, इन हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती, ये सूरह मुबारक है इसरा आयत नंबर 9। इन हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वाम ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا। इस आयत में हाज़ा अल-क़ुरान कहा गया, ये क़ुरान, उस जगह ज़ालिका अल-किताब कहा गया, गौर फरमाया आपने। तो ये क़ुरान नज़दीक भी है और ये क़ुरान दूर भी है, लेकिन असल में ये क़ुरान, जब इस क़ुरान के लिए ज़ालिका या दूर का इशारा आता है, तो वो आज़मत की तरफ इशारा होता है, न कि बुअद मकानी, फासले मकानी या बुअद मकानी की तरफ इशारा नहीं है, यानी जगह के एतबार से, इस मकान के एतबार से बईद नहीं है। और जो लोग हकीकत क़ुरान से वाकिफ़ हैं और बाईमान हैं, उनके लिए तो क़ुरान हरगिज़ बईद नहीं है, इसलिए कि हकीकत क़ुरान, हकीकत क़ुरान तजल्ली रब है, खुद हकीकत क़ुरान तजल्ली रब है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मैं ये इबारत नोट करके लाया हूँ नहजुल बलागा से, और इमाम जाफर सादिक फरमाया है कि फ़तजल्ला लहुम सुबहानहु फ़ी किताबिही, फ़तजल्ला लहुम सुबहानहु फ़ी किताबिही मिन गैर अन यकूनू रऔहु। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपनी किताब में तजल्ली फरमाई है, ये तजल्ली रब है, बग़ैर इसके कि उसकी ज़ात को लोग देखें, उसकी तजल्ली क़ुरान मजीद में। दूसरे अल्फाज जो मासूम से मनकूल हुए वो ये है कि लक़द तजल्लल्लाहु लिखल्क़िही फ़ी कलामिह, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपनी खिलकत के लिए तजल्ली फरमाई है अपने कलाम में। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने तजल्ली फरमाई है इस कलाम में, इस क़ुरान मजीद की अज़मत को समझें, क़ुरान से गाफिल ना हो। हम सब कुरान मजीद की तरफ से बहुत गफलत बरतते हैं, वरना कुरान मजीद की एक एक आयत, कुरान मजीद का एक एक फ़िक्रा, कुरान मजीद का एक एक सूरा अब भी मुअज्जज़े दिखाता है,
हर एतबार से, इल्मी मुश्किलें हल करता है, आमली मुश्किलें हल करता है, मदद करता है, दस्तगीरी करता है, मुश्किल कुशाई करता है, मुसीबतों को दूर करता है। ये कुरान, ये कलाम हक, ये कलाम हक दुश्मन के मुकाबले में इंसान को कुव्वत अता करता है। यही सूरह मुबारक यासीन इस तरह इंसान की हिफाजत करता है, ये सूरह जैसे ज़रह इंसान को मैदान जंग में बचाती है। एक सिपाही, एक फौजी, एक जंगजू, एक रज़्मकार मैदान रज़्म में, जंगाह में जाता है, तीर और तबर और तलवार और असलहों के दरमियान में असलहा ज़रह पहन के जाता है, सर से पैर तक आहनी ज़रह, फौलाद की ज़रह पहन के जाता है, सर पे खुद रखता है और पूरे जिस्म को अपनी ज़रह से महफूज रखता है। जिस तरीके से एक ज़रह इंसान को मैदान जंग में बचाती है, उसी तरह सूरह मुबारक यासीन इंसान को बचाती है, और न सिर्फ ये कि इंसान के जिस्म को बचाती है, इंसान की इज्जत को बचाती है, आबरू को बचाती है, जिस्म को बचाती है, जिस्म और रूह दोनों की हिफाजत करती है। इससे गाफिल ना हो, लोग मुश्किलात लेकर आते हैं, अपनी दिन रात मुश्किलात लेकर आते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ कम से कम एक मरतबा सूरह मुबारक यासीन रोज़ाना 24 घंटे में ज़रूर तिलावत करें, और ज़्यादा बेहतर ये है, अफ़ज़ल तरीन तरीक़ा ये है, नमाज सुबह के बाद तिलावत करें, नमाज मग़रिब के बाद तिलावत करें, नमाज ईशा के बाद तिलावत करें, लेकिन नमाज सुबह के बाद तिलावत ज़्यादा अफ़ज़ल है सूरह यासीन की। अगर एक बार दिन में करें, एक बार रात में करें, वो भी बेहतर है। और जब भी तिलावत करें, तिलावत करने के बाद इसे हदिया कर दें हज़रत साहिबुज़्ज़मान अज्जलल्लाह। हमारे आपके दरमियान एक उसूल है, समझा बूझा उसूल है, एक मुआशरती कानून है, एक अखलाकी कानून है, जिबिल्लतों में आ गया है हमारी। हम किसी को कुछ हदिया दें तो वो पलट के किसी मौके पे हमें हदिया ज़रूर देता है। हम किसी को सलाम करें तो वो पलट के हमें सलाम ज़रूर करता है। हम किसी को दुआ दें, वो हमारे लिए दुआ करता है। ये उसूल है अखलाकी। अगर रोज़ाना हम ये सआदत हासिल करें कि एक मानवी तोहफ़ा अपने आका की खिदमत में पेश करें, तो वो सखी हैं, वो कादिर हैं, वो आलिम हैं, वो सखी हैं। हम तो नादार हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। अगर हम कुछ न होते हुए उन्हें कुछ देने का हौसला जाहिर करेंगे तो वो हमें किस कदर सरफराज फरमाएंगे। इन सआदतों से महरूम न रहें, क़ुरान से और अहले बैत से दोनों से बराबर की वाबस्तगी रखें। हज़रत आयतुल्लाह अल-अज़्मा वहीद खुरासानी, परवरदिगार उनका साया बरकरार रखे हम सब के सरों पर, वो बराबर ताकीद फरमाते हैं कि थकलैन से वाबस्ता रहो। थकलैन क़ुरान और अहले बैत दोनों से वाबस्ता रहने का एक तरीक़ा उन्होंने ये तालीम फरमाया है कि क़ुरान मजीद की तिलावत करो और पैगम्बर की खिदमत में हदिया करो, क़ुरान मजीद की तिलावत करो, इमाम की खिदमत में हदिया करो। तिलावत करोगे तो कुरान से वाबस्तगी होगी, हदिया करोगे उनको तो इतरत से वाबस्तगी होगी, एक ही वक्त में दोनों से वाबस्तगी, एक ही वक्त में दोनों से वाबस्तगी होगी। इस वाबस्तगी से गाफिल ना हो परवरदिगार। फिर मैं दुआ करूँगा कि हमें और आपको सबको परवरदिगार उम्मत कुरान के अफराद में करार दे इंशाअल्लाह। वो उम्मत कुरान जिसे इमाम अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलात वस्सलाम ने उम्मत कुरान फरमाया। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये कुरान ख़ुद तजल्ली हक है, ये कुरान करीम ख़ुद तजल्ली रब है, अल्लाह सुबहानहु व तआला की तजल्ली है ये कुरान, ये अल्फाज, ये कलिमात, इससे मानूस हों। और जहाँ तक मैंने यह अर्ज़ किया कि सूरह मुबारक हम्द में जो सरात है, सरात से मुराद ज़ात गिरामी अमीरुल मोमिनीन या मासूमीन की ज़वात मुक़द्दसा है,
चारदा मासूमिन अलैहिम सलाम बहरहाल उसमें शामिल हैं, और अम्बिया और औसिया और अहलुल्लाह और औलियाउल्लाह शामिल हैं, मगर जिन पर यकीन है और जिनके बारे में किसी शक की गुंजाइश नहीं है, यानी जाहिर है सिरात अल मुस्तकीम से मुराद अपने दौर में हज़रत ईसा मसीह भी सिरात मुस्तकीम, हज़रत मूसा सिरात मुस्तकीम, हज़रत नूह सिरात मुस्तकीम, हज़रत इब्राहिम मिसदाक अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम के, हज़रत इब्राहिम मिसदाक अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम गैर अल मग़ज़ूब अलैहिम वला ज़ालिम, जितने अम्बिया हैं वो सब मिसदाक हैं इसके, जितने अम्बिया हैं सब मिसदाक हैं, जो औलियाउल्लाह हैं महफूज अनिल खता वो भी मिसदाक हो सकते हैं, लेकिन इन तमाम मसादीक में बारिज तरीन मिसदाक कद्र मुतयक्कन नफूस कुदसिया हज़रात मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ये चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम, इसमें किसी शक और शुबे की गुंजाइश न अक्लन है न नकलन, और अगर फिर भी किसी के दिल में शक और शुबा बाकी रहे तो उसके दिल का मरज है, उसे अपने दिल का ऑपरेशन कराना चाहिए, शरह सदर की दुआ करनी चाहिए। ये जो मैंने रिवायत अर्ज़ की कि मासूम ने फरमाया है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो, यहाँ अल किताब से मुराद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सिफत देखिए अमीरुल मोमिनीन का एक लक़ब है मशहूर व मारूफ, और वो है इमामुल मुत्तकीन, किसके मुत्तकी हैं, मुत्तकीन के, किसके इमाम हैं, मुत्तकीन के, मुत्तकीन के इमाम हैं, इमामुल मुत्तकीन, किताब किसके लिए इमाम और हादी है, ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदन लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए, गैर मुत्तकी इस किताब से फ़ायदा नहीं उठा सकता, गैर मुत्तकी इस किताब को नैज़े पे तो चढ़ा सकता है लेकिन इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, गैर मुत्तकी इस किताब पे तीर बरसा सकता है लेकिन इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है, और ज़ात गिरामी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मुत्तकीन के इमाम हैं। अब किताब की मुनासिबत से कुरान मजीद ही में मैं दूसरे मकाम से एक शहादत पेश कर रहा हूँ कि सूरह मुबारक ज़ुख़रुफ़, कुरान मजीद में सूरह मुबारक ज़ुख़रुफ़ है, सूरह मुबारक ज़ुख़रुफ़ कुरान मजीद का ग़ालिबन 43वां सूरा है, और इसमें कुल आयतें जो हैं वो 89 आयतें हैं, इसकी शुरू की सिर्फ 4 आयतें देख लें, सूरह मुबारक ज़ुख़रुफ़ की शुरू की 4 आयतें, ये सूरा भी हरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू होता है और हा मीम से शुरू होता है, परवरदिगार तफसीर बिर्राय से महफूज रखें, लेकिन मैं मकाम मसरत में आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि तलावत करते करते एक मरतबा एक सहर में ये कैफियत तारी हुई कि ऐसा मालूम हुआ है कि जैसे मुनकशिफ हो रही हो ये हकीकत कि हा मीम से मुराद दरअसल ख़िताब है ज़ात गिरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया हामीम यानी ए मोहम्मद, लेकिन ज़ाहिर है कि आम तौर पर मुफसरीन इस तरह ज़िक्र नहीं करते, लेकिन मेरी मसरत की इंतहा नहीं रही जब एक मकाम पर मुझे एक रिवायत भी इस मज़मून की मिल गई। बहरहाल उस रिवायत की रोशनी में वो रिवायत मकतब अहले बैत से अहम मासूमीन अलैहिस्सलाम से मरवी है। बहरहाल अब हामीम से क्या मुराद है, लेकिन जिस तरह सूरह मुबारक यासीन में यासीन से मुराद ज़ात ग्रामी ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें तकरीबन तकरीबन बित तवातुर इजमा है, तकरीबन
है हरूफ मुकत्तआत, या एक हर्फ है, सीन एक हर्फ है, लेकिन मुराद इससे ज़ात गिरामी सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर अच्छा ताईद कैसे होती है कि जैसे मालूम था यासीन यानी ए सैयद व सरदार या ए इंसान कामिल, इन्नक लमिनल मुरसलीन, आप यकीनन रसूलों में से हैं। तो अब यासीन के बाद जब कहा इन्नक, बेशक आप, इसके मानी है कि खिताब किसी से हो रहा है, यानी यासीन से मुराद ज़ात मुबारक। गोया यहाँ पे एक सियाक आयत, सियाक इबारत इस तरह से। यहाँ पर भी हामीम है, अब अभी हामीम की गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद है वल किताबिल मुबीन, कसम है किताब मुबीन की, किताब मुबीन की। इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबियन, हमने उसको यानी किताब को करार दिया है कुरआनन अरबियन, कुरान अरबी करार दिया, लअल्लकुम तअक्लून, ताकि तुम उसे समझ सको। वइन्नहु, और दर हकीकत वो तो, फ़ी उम्मिल किताब, उम्मुल किताब में, लदैना हमारे पास, लअलियुन हकीम, हमारे पास तो वो अली हकीम है। ये मैं रिवायत नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मेरे हाथ में मुसहफ है, ये आयत आपके सामने देख कर पढ़ रहा हूँ, और आप जहाँ जहाँ भी हैं कुरान मजीद उठाकर इसे पढ़ सकते हैं। इस आयत में अजब अंदाज से कलिमा अली हकीम का आया है, और इस आयत की तहकीक अगर कीजिए तो मालूम होता है कि कुरान मजीद वो हकीकत है कि जो खुद दू मरातिब है, इसके मरातिब है। ये मज़मून ऐसा है जो बार बार मुख्तलिफ उनवान से मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ कि बाज़ हकीकतें होती हैं जिनमें मरातिब, हकीकत एक होती है मगर उसके दराजात और मरातिब होते हैं। उसकी मशहूर और मारूफ मुतदावल मिसाल यही है नूर की, ये नूर, ये रोशनी, रोशनी कम दर्जे की भी होती है और ज़्यादा दर्जे की भी होती है, लेकिन इस नूर की मिसाल देकर भी उस हकीकत को अच्छी तरह नहीं समझ सकते, उसके लिए जहन को और भी साफ़ करना पड़ेगा, आईने कल्ब पे और ज़्यादा जला की ज़रूरत है, दिल को और आईना बनाने की ज़रूरत है। और इस हकीकत को समझने के लिए उस मिसाल को भी, उस नुक्ते को भी जहन में रखना होगा कि जो क़ुरान मजीद और अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम दोनों के लिए इरशाद फरमाया गया है। क़ुरान मजीद में मिसाल दी गई है, रिवायत में सही हदीस में मिसाल दी गई है, मिसाल दी गई है हब्लुल्लाहिल मतीन से, अल्लाह की मज़बूत रस्सी। मैंने इससे पहले दो मकामात पे गालिबन ये ज़ोर देकर कहा है कि कभी गौर किया है आपने कि रस्सी क्यों कहा गया है? रस्सी को इतनी हसीन चीज़ है कि उसे तशबीह दी जाए, और वो भी किस चीज़ की तशबीह? कलाम हक़ की, अल्लाह सुभान अल्लाह। कलाम नूर है, कलाम तजल्ली है, कलाम कलाम है, कलाम को रस्सी से क्या तशबीह देना है? मगर कुछ हकीकतें हैं जो अवामुन्नास के जहनों में रासिख करने के लिए ये मिसालें दी गई हैं। रस्सी हमेशा उसका काम ये होता है कि वो बुलंदी से आवेज़ा की जाती है, बुलंदी से वो नीचे लटकाई जाती है, आवेज़ा की जाती है, और छोड़ नहीं दिया जाता ऊपर का सिरा, यानी ऊपर से नीचे गिराई नहीं जाती, आवेज़ा की जाती है। एक होता है ऊपर से कोई चीज़ फेंक दी, फेंक देते हैं जिस चीज़ को, फिर उसका ऊपर से कोई रिश्ता बाकी नहीं रह जाता। रस्सी वो चीज़ नहीं है कि जो गिरा दी जाए नीचे, उसका एक सिरा नीचे रखा जाता है, एक सिरा ऊपर, और जो सिरा नीचे होता है उसकी गरज ये होती है कि उसके सहारे से नीचे जो चीज़ है वो ऊपर उठाई जा सके।
और फिर ये रस्सी दरमियान में कहीं इसमें फसल नहीं होना चाहिए, मुसलसल होनी चाहिए ये रस्सी। कुरान मजीद हबलुल्लाहिल मतीन है, कुरान मजीद अल्लाह की मजबूत रस्सी है, यानी ये मुसलसल है ऊपर से लेकर नीचे तक। इसका बालाई सिरा दस्ते मुबारक हक सुबहानहु व तआला में है, दस्ते कुदरत में है। ऊपर का सिरा, नीचे का सिरा हमारे और आपके लिए इसलिए है कि हम इस सिरे को थाम कर बुलंदियों तक सफर कर सकें, बस्तियों से निकल सकें। ठीक है ना, ये कुरान मजीद की हकीकत है कि इसे अगर हमने पकड़ लिया मजबूती के साथ तो फिर हम पस्ती में नहीं रह सकेंगे, फिर हमारे लिए लाजमन इंशाअल्लाह बुलंदियाँ हैं। और यही हकीकत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलात वस्सलाम की। अब इस हकीकत को नज़र में रखें कि रस्सी से तशबीह दी गई और रस्सी एक मुसलसल हकीकत है, टुकड़ों में नहीं है, बीच में फसल नहीं है, मुत्तसिल है, मुसलसल है और वो भी मजबूत है। दूसरी तरफ तजल्ली के लिए मैंने कहा था कि तजल्ली भी वो हकीकत नहीं है कि जिसका ताल्लुक ऊपर से बाकी ना रहे, कुरान तजल्ली है। अब ये कुरान इस तरह की हकीकत है कि जब ज़मीन पर आती है तो अरबी मुबीन बनती है, जब आसमान पे होती है तो अली हकीम बनती है। ये जो रब्त है ये खुद इस आयत से आश्कारा है, खुद इन आयतों में ये कहा गया कि इन्नहु इन्ना जालनाहु, हमने उसे करार दिया है कुरानन अरबियन, कुरान अरबी करार दिया है, लअल्लकुम तअक्लून, ताकि तुम समझ सको। लेकिन हकीकत उसकी क्या है, वइन्नहु फी उम्मिल किताब लदैना लअलियुन हकीम, और हमारे पास तो उसकी हकीकत यह है कि वह अली हकीम है। ये अल्फाज़ कुरानी हैं, ये कुछ और नहीं है, ये कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, शायरी नहीं है, ज़ाकिरी नहीं है, वो ज़ाकिरी कि जिसे हम कहते हैं कि, हालांकि हकीकतन ज़ाकिरी का मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन दूसरी किस्म की भी ज़ाकिरियाँ हो रही हैं, इसलिए ये कहना पड़ता है कि इस किस्म की ज़ाकिरी नहीं है जिसका ताल्लुक हकीकत से ना हो। ये न शायरी है, न दास्तान, न कहानी, न अफसाना, हाँ हकीकत का ज़िक्र है, इस एतबार से ज़िक्र है, हकीकत का ज़िक्र है और क़ुरान मजीद की साफ आयत है। इसलिए आज की गुफ्तगू का खुलासा ये हुआ कि चाहे वो अलिफ लाम मीम और दूसरे तमाम हरूफ मुक़त्तआत हों और उनसे बनने वाली इबारत हो और उसकी हकीकत हो, वो भी मकाम विलायत तक हमें पहुँचाती है, और चाहे किताब हो वो भी मकाम विलायत तक पहुंचाती है, चाहे कुरान हो वो भी हमें मकाम विलायत इमामत तक पहुंचाता है, और नबुव्वत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबुव्वत सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम ख़त्मी मरतबा, इस मिंबर ख़त्म नबुव्वत पर फ़ायज होने के बाद जो पैगाम दिया है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो पैगाम अगर दूसरे अम्बिया से मुमय्यिज़ व मुमताज़ है तो वो भी सिर्फ़ इस जिहत से याद रखिएगा कि तौहीद का पैगाम हर नबी ने दिया है, हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब ने तौहीद का पैगाम, आखिरत से सब ने डराया, नबूवत की हकीकत से सब ने आशना किया। एक हकीकत इमामत विलायत वो है जो बिलखसूस मकाम ख़त्म नबूवत ने इस पर सबसे ज़्यादा रोशनी डाली। इसीलिए आपका उसूल मज़हब पाँच है, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। ये अदल व इमामत ये दो उसूल वो हैं जो खुलासा पैगाम ख़त्म नबूवत है। आदल व इमामत खुलासा पैगाम ख़त्म नबूवत। परवरदिगार हमें और आपको सबको आदिलाना ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और दामन विलायत से और दामन इमामत से हमेशा वाबस्ता रखें, हमारी गर्दनों में
बैअत हज़रत साहिबुल असर अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ है। हम शुऊरी तौर पर इस बैअत को की तजदीद करें और साहत मुक़दस हज़रत वली असर अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ से इस्तेमदाद करते रहें और उनकी नौकरी और ख़िदमत गुजारी के जज्बे के साथ ज़िंदगी बसर करें। परवरदगार नूर क़ुरान से हमारी ज़िंदगी को मुनव्वर फरमाए और हज़रत अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में हमें सरफराज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलीका हुज्जत इब्न अल-हसन सलावातुक अलैहि व अला في هذه الساعة وفي كل ساعة ولينا محافظا طائعا ناصرا ودليلا حتى تسكنه الله وتوقعه في مدحه